चंदगड तालुक्यातील दुर्गम भागातील काजीर्णे धनगरवाड्यातील 25 मुलामुलींची धनगरवाडा ते सरकारी न्यू इंग्लिश हायस्कूल 7 ते 8 किलोमीटर चंदगडपर्यंतची व संध्याकाळी परत शाळा ते घर अशी जंगलातील रस्त्यावरून होणारी दररोजची 15 ते 16 किलोमीटरची पायपीट ऑपरेशन मदतच्या माध्यमातून संपवली आहे। या कामी विक्टर फ्रान्सिस, बबन कुगजी, अक्षय हुंशिकट्टी, प्रसाद पाटील, चंद्रकांत धामनेकर, डॉक्टर सुरेखा पोटे, डॉक्टर राजश्री अनगोळ, डॉक्टर अनिल पोटे, गीतांजली रेडेकर, विजय बद्रा, संतोष अनगोळकर, डॉक्टर केतकी पावसकर व प्रशांत बिरजे या दानशूरांनी मदत केली। ऑपरेशन मदद से हो तो ये सभी हमारा जो टीम है ना, ये सब मिलके हमारा ऑपरेशन मदद का टीम हुआ है। तो अब जो ये बच्चों का जो प्रॉब्लम था चल के जाने के लिए 8 से 10 किलोमीटर से चल के जाते हैं, तो ये सर्कल से नया वाला ही है। पुराना बोले तो जो बच्चे अपार्टमेंट्स में वगैरह जो यूज नहीं करते थे, ऐसा बच्चों को हमने रिक्वेस्ट करके उन्होंने वो जो बच्चे ने डोनेट किया है उसको रिकंडीशन करके, कुछ डोनर्स ने रिकंडीशन किया है, तो हम उसको इधर ला के देने में सफलता की है। तो ऑपरेशन मदद यही चाहता है कि और भी उन डोनर्स को भी हमारे तरफ से थैंक्स है, और ये विलेज के बच्चे जो है उनके तरफ से भी हम उनको थैंक्स बोलना चाहते हैं। और भी कुछ डोनर्स किधर भी अपार्टमेंट्स में आपके बच्चे यूज़ नहीं कर रहे, तो हमें अगर सिटी से जो यूज़ नहीं हो रहा है, अच्छा कंडीशन का साइकिल है, बाद में स्क्रैप में डाल देते हैं, नहीं तो उसका यूज़ कैसे करना, वो सब करके जो फेंक रहे हैं साइकिल्स वगैरह, तो इन बच्चों को जो जंगल में गुजरते हैं खतरों से लड़ के शिक्षण के लिए जा रहा है, उनका टाइम बचाने के लिए जो पढ़ाई में वो ध्यान दे, इसलिए हम उनको, उन बच्चों को हम ऐसा सहूलत एक करके दे रहे हैं कि उनके लिए भी और उनके शिक्षण के लिए भी एक उन्नति बढ़े। तो ये साइकिल्स अगर ये लोग यूज कर रहे हैं नेक्स्ट ईयर के लिए, फिर से वो अपने नेक्स्ट जो ये आते हैं ना स्टैंडर्ड्स में, वो लोग उधर उनको शिफ्ट कर देते हैं। तो सभी ऑपरेशन मदद और जो इनको डोनेट किया ना उनकी तरफ से मैं बहुत धन्यवाद बोलना चाहता। या कामी ऑपरेशन मदत अंतर्गत विविध संस्था व संघटनांनी पुढाकार घेतला आहे। शिक्षण, क्रीडा, कला आणि क्षेत्रातील मान्यवर तज्ञांनी या उपक्रमात सहभागी व्हावे आणि देशाच्या नव्या पिढीला घडविण्यासाठी हातभार लावावा असे आवाहन करण्यात आले आहे। महादेव पवार, KNN सिटी न्यूज, बेळगाव।